एवरीवन, मेरा नाम है गरिमा सिंह और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी 1973 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पावर ऑफ कोर्ट। हम सेक्शन 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। टोटल सेक्शन जो चैप्टर नंबर 3 में गिविन है वो सेक्शन 26 से लेकर 35 तक हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 26 जो कि है कोर्ट बाय विच ऑफेंस इज ट्रायबल, तो वो कोर्ट जहाँ पे ऑफेंस का ट्रायल चलेगा। तो इसमें गिवन है एनी ऑफेंस जो आईपीसी के अंडर में गिवन है, वो ऑफेंसेस जो ट्रायबल होंगे वो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल होंगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें जो गिवन है। फिर सेकेंड पॉइंट इसमें गिवन है कि जो ऑफेंसेस फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है, और फिफ्थ शेड्यूल में आप कॉलम 6 देखेंगे तो उन ऑफेंसेस के सामने लिखी हुई हैं कि कौन सी कोर्ट में वो ट्रायबल होंगे, तो वो सारी कोर्ट भी इसमें इंक्लूड हो गई है। एनी अदर कोर्ट बाय विच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। देन नेक्स्ट इस सेक्शन में बात करें तो एक प्रोवाइजो गिवन है, वो प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर मैटर वुमेन रिलेटेड ऑफेंस है, जैसे सेक्शन 376 ए बी सी डी डी ए डी बी और ई की बात करें आईपीसी 1860 की, तो जो भी ऑफेंसेस वुमेन रिलेटेड होंगे वो ऑफेंसेस उसी कोर्ट में ट्रायबल होंगे जिसकी जो जज है वो एक वुमेन होगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसकी वुमेन होगी उसी कोर्ट में वो ट्रायबल होंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 27 जो कि है जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुएलन। तो जब किशोर की बात अगर हम करें तो अगर कोई किशोर है, कोई बच्चा है 16 ईयर एज से बिलो है और उससे कोई ऐसा ऑफेंसेस नहीं होता जो डेथ या एलआई से पनिशेबल है, तो उसका ट्रायल चलेगा सीजेएम की कोर्ट में, या फिर उस कोर्ट में जो चिल्ड्रेन एक्ट 1960 के अंडर में है, या फिर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा जो लॉ इन्फोर्स करता हो उस विक्टिम जिसकी एज 16 ईयर से कम है ज्वेलन की, जिसका ट्रीटमेंट ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन उस यूथ की जा सके। तो ये 3 पॉइंट हैं इसमें याद रखने हैं। पहला 16 ईयर ऑफ एज और उसने कोई ऐसा ऑफेंस ना किया हो जिसकी पनिशमेंट डेथ या एलआई हो तो सीजेएम की कोर्ट में चलेगा। दूसरा फिर जो ऐसी कोर्ट में जिसमें चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंडर में आती हो, या फिर कोई ऐसे लॉ के अकॉर्डिंग जो जिसमें उसका रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग ट्रीटमेंट या यूथ ऑफेंडर का किया जा सके। फिर सेक्शन 28 की बात करें तो सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन में पास, वो सजा वो सेंटेंस जो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन देगा। अब अगर कोर्ट ऑफ सेशन कोई ऐसी पनिशमेंट देता है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट देता है तो वो पनिशमेंट हमेशा हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट उसको कंफर्मेशन करेगा, तभी जाके डेथ सेंटेंस जो है कंफर्म होगा। फिर सेशन जज की बात हो गई है, अब अगर बात करें असिस्टेंट सेशन जज, तो असिस्टेंट सेशन जज यहाँ पे 10 साल तक की सजा दे सकता है, 10 साल तक की, 10 साल से एक्सीड नहीं करेगा, ना वो डेथ इम्प्रिजनमेंट देगा, ना तो डेथ सेंटेंस देगा और ना ही वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगा, क्योंकि डेथ सेंटेंस जो है कौन दे चुका है, सेशन जज। फिर नेक्स्ट सेक्शन है 29 जो कि है सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास, अब वो सजा जो मैजिस्ट्रेट देगा। तो देखिए मैजिस्ट्रेट क्या सेंटेंस दे सकता है, तो सीजेएम की बात करें तो सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, अब वो सेंटेंस सीजेएम देगा जो ऑथराइज्ड बाय लॉ है, और 7 साल तक की। अब जब आप सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एक्सेप्ट डेथ एलआई टर्म एक्सीडिंग 7 इयर्स, तो ना तो वो डेथ दे सकता है, ना एलआई दे सकता है, और ना ही 7 साल से ज्यादा। तो ध्यान रखना है सीजेएम कितनी पनिशमेंट देगा, 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट की सजा दे सकता है, सेंटेंस दे सकता है। फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ये कितना देगा, इसमें है नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स,
3 साल से ज्यादा नहीं दे सकता, 3 साल तक दे सकता है और फाइन 10,000 रुपए तक का। ये हो गया मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास देखा, 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपए फाइन। ये है मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब इसमें जब आप देखें तो सीजेएम की जो कोर्ट है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की इक्विवेलेंट होती है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की, और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट इक्विवेलेंट होती है मैजिस्ट्रेट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्योंकि जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ मैजिस्ट्रेट हटा के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऐड हो जाता है। फिर है सेक्शन 30, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अगर कोई व्यक्ति, कोई एक्यूज जो है वो फाइन देने के लिए एलिजिबल, फाइन देने के पैसे उसके पास नहीं है वो, तो उस केस में क्या होगा? तो जितना इम्प्रिजनमेंट उस एक्यूज्ड को मिला है उसका 1/4 1/4 उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा उस इम्प्रिजनमेंट को, जो इम्प्रिजनमेंट उसका मिला है उसका 1/4। अब ये एडिशनल है, मान लीजिए उसको 1 साल की सजा मिली है, अब 1 साल में उसको साथ 3 महीने, 1 साल कंप्लीट करेगा फिर उसके बाद 3 महीने की सजा उसको और काटनी पड़ेगी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ये सेक्शन, ये जो बात है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, ये हमारे पास आईपीसी में भी गिवन है, सेक्शन 64 से लेके 67 तक के सेक्शंस में आईपीसी में गिवन है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक्शन 35 की। तो सेक्शन 35 जो है वो है सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल। मतलब ऐसे ऑफेंसेस, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस जिसका ट्रायल जो है वो एक केस में चलेगा। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि आप किसी के घर में गए चोरी करने के लिए और वहाँ पे क्या हुआ, आप दीवार से अंदर कूदे तो आपसे हाउस ट्रेसपास भी हो गया, फिर आपने चोरी भी कर ली। चोरी करने के बाद क्या हुआ, वहाँ आपको किसी ने देख लिया और आपकी हाथापाई हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपसे कोई ग्रीवियस हर्ट भी हो गया। तो यहाँ पे अब आपसे 3 ऑफेंस हुए हैं, थेफ्ट, ग्रीवियस हर्ट और हाउस ट्रेसपास, 3 ऑफेंसेस। लेकिन इन 3 ऑफेंसेस का जो ट्रायल होगा वो एक ही ट्रायल होगा। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको किस ऑफेंस की सजा जो है पहले मिलेगी और किस ऑफेंस की बाद में मिलेगी। ये कोर्ट एक्सप्लेन करेगा, मान लीजिए आपको थेफ्ट की सजा मिली, आपको 1 सजा मिलती है 2 साल की, 1 सजा मिलती है 5 साल की, 1 में मिलता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अब ये कोर्ट रिटन में स्पेसिफाई करेगा कि आपको कौन सी सजा पहले और कौन सी बाद में मिलेगी। देखिए तो ऑब्वियस है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है तो उसके बाद तो सजा नहीं मिल सकती, अगर 2 या 3 ईयर और केसेस में है। फिर इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर कोई ऐसी सजा है जिसका जो पनिशमेंट है वो मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा हो, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा हो, कोई अब ऐसा पनिशमेंट कोर्ट ने दे दिया है, जैसे कोर्ट ने 3 पनिशमेंट दिए थे, 1 5 साल दे दिया, 1 7 साल दे दिया और 1 फिर से 3 साल दे दिया। अब यहाँ पे अगर उसका टोटल जुरिस्डिक्शन जो है उसके जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा बनता है तो इस केस में वो केस हायर कोर्ट में नहीं कमिट कर सकता, उसको अथॉरिटी है, उसको पावर है इतनी पनिशमेंट देने के लिए। और बस एक इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर इम्प्रिजनमेंट आपको अलग अलग मिल रहा है, पनिशमेंट अलग अलग मिल रही है, तो कम्यूट करके उसकी जो पनिशमेंट है वो 14 साल से ज़्यादा एक्सीड ना करें। फिर जब हमने अभी पढ़ा है कि ऑफेंस जो है एक के बाद एक मिलेगा, अगर आपको याद हो तो ऐसे ही पनिशमेंट जो है कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट कहलाती है, जो राम रहीम के केस में भी मिली थी 10 years plus 10 years करके। फिर नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और रह गया है अपील का, अगर इन ऑफेंसेस की उसको जो पनिशमेंट मिली है
अब अगर उनके उनके लिए कोई भी एक्यूज जो है वो अपील डालना चाहता है, तो वो अपील किसी एक ऑफेंस की पनिशमेंट के लिए नहीं डलेगी, वो सब कंबाइन कर दी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 32, जो कि है मोड ऑफ कन्फर्निंग पार्ट्स। तो आप समझिए कि अगर कोई हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट किसी को पावर देती है, तो वो पावर तब से मान ली जाएगी कि इम्पावर्ड कर दिया गया है जब से वो कम्युनिकेट होगी। मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कोई पावर दी है हाई कोर्ट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो जिस दिन से वो उनको कम्युनिकेट हो गई है, मान लिया जाएगा कि उस दिन से वो इम्पावर्ड है उस पावर को यूज़ करने के लिए। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 33, पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट। अब जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, तो हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी उनको पावर देती है किसी भी एरिया के लिए, तो वो पावर तब तक एज इट इज रहेगी जब तक कोई अगला आदेश नहीं आ जाता, तब तक वो सेम पावर को एक्सरसाइज करेंगे जो उनको ग्रांट की गई है। फिर अब आता है सेक्शन 34, जो कि है विड्रॉन ऑफ पावर। अब विड्रॉन ऑफ पावर को देखे समझिए, जैसे हाई कोर्ट है और स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी ऑफिसर को कोई पावर देती है, तो वो ही उस पावर को वापस ले सकती है किसी भी वक्त। और अगर सीजेएम या डीएम किसी को पावर देता है, तो वो भी किसी भी वक्त उस पावर को विड्रॉन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 35, पावर ऑफ जज एंड मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय द सक्सेसर इन ऑफिस। तो कोई जज है या कोई मैजिस्ट्रेट है, उनकी जो पावर है, तो सक्सेसर इन ऑफिस जो होगा वो कैसे एक्सरसाइज करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। अब देखिए क्या है कि अगर बात करें एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज की, और इनको कोई पावर अब है जो कंफर्म करनी है, सक्सेसर इन ऑफिस है, तो उस केस में सेशन जज रिटन में देगा कि एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज जो है वो सक्सेसर इन ऑफिस कौन होंगे। और हम बात करें मैजिस्ट्रेट की कोर्ट की, तो सीजेएम ये रिटन में देगा कि कौन सक्सेसर इन ऑफिस होगा। अब एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज की किसने डिसाइड किया था, सेशन जज ने, और मैजिस्ट्रेट के लिए कौन डिसाइड करेगा, वो सीजेएम डिसाइड करेगा। तो इस पूरे चैप्टर में जो है जितनी भी सेक्शंस गिवन है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन में जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको कंप्लीटली बता दी है। आप एक बार अपनी बुक से ज़रूर रिवाइज कर लिया करें वीडियो देखने के बाद। और जो हमारे पास सेक्शन 31 गिवन है, सेक्शन 31 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो पनिशमेंट है वो कम्यूट की जा सकती है या नहीं की जा सकती, या फिर जो पनिशमेंट है टोटल उसका जो कम्यूट करने के बाद जो बन रहा है वो 14 साल रिग्रेस पनिशमेंट से ज़्यादा का ना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। आप वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से ज़रूर रिवाइज कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 सीआरपीसी 1973 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।